एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। और आज मैं इतनी सुपर एक्साइटेड क्यों हूँ? प्रोबेबली यू नो द रीजन एग्जैक्टली। सो फाइनली 5 महीने हो गए हैं और मेरे को इंडिया वाला स्टैंड मिक्सर बहुत याद आ रहा था और अब हम लेके आ गए हैं यूएस में भी एक स्टैंड मिक्सर। इंडिया में मेरे पास एक हैप्ले है जो 1000 वॉट्स का है, बहुत ही पावरफुल है और मैं पिछले 3 साल से लगातार विदाउट फेल एवरी डे उसे यूज कर रही थी और वो बहुत अच्छा चल रहा है। पहले तो मैंने सोचा था कि जब हम यहाँ मूव हो रहे थे ना, मैंने सोचा लेट मी सेल दिस मशीन, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, वो इतनी अच्छी मशीन है, इट्स लाइक गोल्ड राइट। तो जब भी जाएंगे उसको यूज करेंगे, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बेचूंगी। और यहाँ पर अब हमने लिया है फाइनली थोड़ी R&D करने के बाद ये किचन एड, और ये मैंने लिया है 6 क्वार्ट यानी कि 5.6 लीटर बोल में। अच्छी खासी कैपेसिटी है इसकी, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, अनबॉक्स करेंगे, डिसीजन मैंने ये वाला मिक्सर पर्टिकुलरली लेने का क्यों लिया और कौन कौन से किचन एड आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, और हमने ये वाला फाइनल क्यों किया ये भी मैं बताऊंगी, कहाँ से लिया, कितने का लिया, सारी बातें करेंगे और साथ साथ इसको अनबॉक्स भी करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे स्टैंड मिक्सर अब लेना है यूएस में, तो मैंने देखना शुरू किया और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि आपको पता है अपने इंडिया से ज़्यादा बेकिंग वगैरह यहाँ होती है तो ऑब्वियसली स्टैंड मिक्सर भी ज़्यादा यहाँ ही मिलते हैं। और अमेजन पे जब मैंने देखना शुरू किया तो इससे ज़्यादा पावरफुल मशीन्स जो हैं 1/3 रेट में मिल रही थी इजीली। लेकिन जब मैंने उनके सर्विस वगैरह के बारे में पता किया, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी अमेजन पे ना क्यूजीन आर्ट ब्रांड है, होवर्क्स ब्रांड है, रिव्यूज उनके ठीक ठाक हैं, लेकिन सर्विस के बारे में जब मैंने पढ़ा तो ज्यादा उनकी सर्विस अवेलेबल नहीं है। जैसे कि ठीक वैसे ही जैसे किचन एड जितना पॉपुलर और जितना पुराना ब्रांड है ना, लेकिन हमारे इंडिया में उसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है ज्यादा। तो मैंने ना अपने कुछ फ्रेंड्स से भी बात की, कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने यूएस से कोई ट्रैवल कर रहा था तो किचन एड मंगाया था, लेकिन जब बाद में वो खराब हो गया तो उनको सर्विस नहीं मिली। इसीलिए इंडिया में मैंने हैफले चूज किया था क्योंकि उसका वहां पे फिर भी एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है, उनकी सर्विस है एंड बैंगलोर में तो बहुत अच्छी सर्विस है। वैसे मुझे कभी हैफले में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हमारा डिश वॉशर भी इंडिया में हैफले का ही है, उसके लिए मुझे एक बार सर्विस मैन को बुलाना पड़ा था और वो चुटकियों में, बस मैंने तो फोन पे कुछ उंगलियां हिलाई और वो आ गए थे। तो सर्विस नेटवर्क बेसिकली इंडिया में हैफले का अच्छा है, ठीक उसी तरह से यूएस में किचन एड का सर्विस नेटवर्क अच्छा है। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि किसी और ब्रांड को ना लेते हुए किचन एड को लेंगे। ऑब्वियसली ये थोड़े से प्रीमियम प्राइस में आते हैं, लेकिन अगर आप लाइफ लॉन्ग लाइफ डिस्कस करें, स्पेशली जो मिक्सर है ना, इट इज अ काइंड ऑफ मशीन विच नीड्स पावर एंड विच हैज टू बी, यू नो, अगर आप बेकिंग करते हो मेरी तरह तो आपको पता है कि रोज रोज ही यूज होगी ऑलमोस्ट, और स्पेशली फॉर द चपाती डो। इसमें आटा तो इतना अच्छा गूंथता है कि बस मजा ही आ जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा ना लूं जिससे मुझे बाद में लेकर पछताना पड़े, तो एक बार ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छे में ही करते हैं। स्पेशली फॉर दिस रीजन आई वेटेड फॉर 5 मंथ्स, तो वरना अगर हम शुरू में ही ले लेते तो फिर दैट देन आई वुड हैव थॉट कि अच्छा थोड़ा खर्चा बचाते, बिकॉज देर इज अ लॉट हैपनिंग और बहुत सारी चीजें खरीदनी है घर में, तो मैं शायद मिक्सर ऐसे ही ले लेती, लेकिन मैंने आई डिसाइडेड टू वेट। इसलिए मैं पिछले 5 महीने से रोज 7 से 8 आटा गूंथ रही हूँ, बहुत सारी बेकिंग भी की है इन 5 महीनों में, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, थोड़ी क्रिसमस में भी बेकिंग की, बहुत की थी ये बेकिंग, लेकिन आई डिसाइडेड टू वेट फॉर अ गुड वन। तो इसीलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और हाँ मैं कह सकती हूँ सब्र का फल मीठा है क्योंकि मुझे इतना बड़ा और इतना बढ़िया किचन एड मिला है। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या आया है। तो सबसे पहले तो निकला है ये पेपर है किचन एड के सारे अटैचमेंट्स के बारे में। सो इसमें ये सारे अटैचमेंट दिखाए हुए हैं और बोल्स दिखाए हुए हैं जो एडिशनल मैं कभी चाहूँ तो परचेज कर सकती हूँ। इसके साथ एक स्टेनलेस स्टील का विद हैंडल बोल तो आया ही है, एक्स्ट्रा बोल्स और एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स जो पास्ता मेकर है, आइसक्रीम मेकर है, वो सब इस मशीन में अटैच हो सकते हैं। तो ये तो हो गया एडवर्टीजमेंट। इसमें से निकला है ये फ्लटर कवर, तो जब भी डो वगैरह या शुगर जब बीट करें क्रीम के साथ तो वो स्प्लटर ना करे, तो ये बोल कवर है, साथ में इसमें एक होल है ताकि आप इंग्रेडिएंट्स डाल सके यहाँ से। यहाँ पर है एक डो हुक, जैसे कि बॉक्स में दिख रहा है इसमें आए हैं ये 3 तरह के हुक्स,
एक है विप, एक है डो हुक, एक है फ्लैट बीटर और ये स्प्लटर कवर। साथ में इसमें इंक्लूडेड है एक फ्री गिफ्ट जो कि है सिलिकॉन स्पैचुला के साथ वाला हुक। सो दिस इज क्वाइट पावरफुल एंड क्वाइट हैवी मशीन। तो ये मैं आपको बता दी, किचन एड में ना बेसिकली तीन सीरीज आती हैं मिक्सर्स की। सबसे पहले है क्लासिक विच इज द बेसिक वन। अच्छा, उसमें सिर्फ जो मिक्सर्स है ना उनकी सिर्फ पावर वोल्टेज होती है ओनली 250 वॉट्स। तो भाई जब हमें आटा गूंदना है या ब्रेड डो स्पेशली जब गूंदना है सो वी नीड समथिंग पावरफुल, तो इसीलिए क्लासिक को तो मैंने इग्नोर कर दिया था। नेक्स्ट है एक आर्टिसन करके सीरीज। अच्छा, हर सीरीज में ना छोटे बोल बड़े बोल दोनों का मिक्सचर है, तो मोस्टली मैंने देखा कि किचन एड में ना एक बोल का स्टैंडर्ड साइज है 3 लीटर्स या 3.5, दूसरा बड़ा बोल है 5.6 जस्ट लाइक दिस, और उसके बाद और बड़े भी आते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट। तो ये वाला जो बोल है ना ये मुझे स्टैंडर्ड और मिड साइज बोल लगता है। 3-3.5 लीटर का बोल ना थोड़ा शैलो होता है तो उसमें स्प्लटर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं डो के या किसी भी चीज के, आप क्रीम व्हिप कर रहे हो या कुछ भी, तो इसीलिए मुझे सबसे छोटा साइज तो चाहिए नहीं था। बट हाँ, मैं रेट के हिसाब से सोच रही थी कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, लेकिन लेटर कॉस्टको में मुझे ये बहुत अच्छी डील में मिल गया। अच्छा, आर्टिसन दूसरी सीरीज है किचन एड की। आर्टिसन सीरीज और क्लासिक सीरीज में ये फर्क है कि आर्टिसन की वॉटेज जाती है 300 वॉट्स तक और वो थोड़ा सा बेटर है पावर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो, उसमें ब्रेड डोज वगैरह बनाना और थोड़ा आसान है। लेकिन अगर आप मेरी तरह फ्रीक्वेंटली बेकिंग करते हो ना तो 300 वॉट भी उतना मतलब ना सफिशियंट नहीं है। अगर आपको सिर्फ केक बैटर्स कुकी डोज बनाने तो 300 वॉट इज मोर देन सफिशियंट, लेकिन अगर आपको ब्रेड्स बनानी है विच आई एम रियली इन नीड ऑफ, तो मुझे ब्रेड्स का बेसिक पर्पज होता है, मैं ना देखिए रोज चपाती डो भी गुनता ही है, हम तो रोटी वाले लोग हैं तो एवरीडे चपाती डो भी गुनता ही है, और स्पेशली ब्रेड के डो को आपको काफी देर मसलना पड़ता है, तो दैट इज वेयर दीज मशीन्स कम इन हैंडी। तो तब के लिए मुझको ये मशीन चाहिए थी, और ब्रेड के लिए अगर आप बेसिक पर्पज लाइक अगर आप वीकली 2 बार ही ब्रेड बनाना चाहते हो या वीकली वंस, तो फिर आपको 300 वॉट ना उतनी सफिशियंट पावर नहीं लगेगी अनलेस अगर आप बहुत कम छोटा आटा गूंद रहे हो लाइक लेस देन 500 ग्राम्स। लेकिन अगर आपको ब्रेड बनानी है ना, 2 ब्रेड एक साथ बनानी है, तो फिर वो मशीन 300 वॉट पावर वाली वोंट सॉल्व योर पर्पस। इसीलिए फाइनली मैंने सोचा कि जो तीसरी सीरीज आती है किचन एड्स की प्रो सीरीज मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी। तो मैं ना अभी वेट ही कर रही थी। अच्छा, तो जो लोअर ब्रांड्स है ना, लोअर प्राइज्ड ब्रांड्स, बेसिकली कुजीनार्ट इज जस्ट प्राइज्ड एट $160, उसकी वॉटेज काफी अच्छी है। होवर्क्स करके एक ब्रांड है अमेजन पे, उसकी वॉटेज भी काफी अच्छी है, लेकिन अगेन उनमें सर्विस इश्यूज हो सकते हैं एंड नोबडी इज श्योर अबाउट देयर क्वालिटी एज मच एज एवरीवन इज श्योर अबाउट किचन एड, बिकॉज ये बहुत पुराना और बहुत स्टैब्लिश ब्रांड है। बेसिकली किचन एड और स्टैंड मिक्सर्स देयर नेम गो हैंड इन हैंड, राइट। अच्छा, मैंने ना जी का भी देखा था और जी के तो मुझे एज अ ब्रांड बहुत भरोसा है। Once I thought of investing in it almost, लेकिन फिर मुझे लगा यार जी ब्रांड अच्छी है, सर्विस मिल जाएगी, लेकिन 250 वॉट का ही था वो भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो प्रो सीरीज को ही थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो जब मैंने प्रो सीरीज के प्राइस देखे तो देवर लाइक अराउंड $600 एवरीवेयर। टारगेट में जाओ तो ये वाला मिक्सर 549 का है, या वॉलमार्ट से भी लो वेबसाइट से तो $600 का है। तो मुझे लगा $600 इज लाइक टू मच फॉर अ मिक्सर, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं शायद नहीं लेंगे। लेकिन फिर जब मैं कॉस्टको गई तो वहां पे मुझे सेम मिक्सर दिख गया 399 में, यानी कि $400। तो इंडियन रूपी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी अराउंड 32,000 एंड विच इज वर्थ इट, इसका प्राइस इतना होता ही है। इंडिया में मेरा जो हैपले है दैट इज 1000 वॉट्स पावरफुल मशीन, काफी अच्छी मशीन है वो, उसका प्राइस था 28,000 जब मैंने लिया था। अब मुझे रिसेंट प्राइस उसका पता नहीं है, उस समय 28,000 का था और वो काफी अच्छी मशीन है। अच्छा, US में कोई भी 1000 वॉट का तो मुझे दिखा ही नहीं है सच, चाइनीज ब्रांड्स में भी वर देयर सम,
लेकिन मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू बी यूजिंग एवरी डे आई नो ऑफ दैट. तो इस बार फिर मैंने सोचा ये ही लेते हैं. इसकी पावर है फाइनली 575 वॉट्स. यस दैट इज अ गुड पावर वॉटेज. और दूसरी बात किचन एड की अच्छी ये है कि किचन एड डायरेक्टली सेंड्स पावर टू दिस हुक. तो जब भी आप डो नीड कर रहे हो तो 1000 वॉट हो ना हो इसमें इट इज द मशीन इज सेंडिंग डायरेक्ट पावर टू दिस हुक. तो फिर ये आपका काम इजी कर देगा, जल्दी कर देगा. इसीलिए फिर फाइनली मैंने R&D के बाद किचन एड प्रो सीरीज को फाइनल किया है. तो इंडिया में जो मेरे पास स्टैंड मिक्सर है वो है टिल्ट हेड, यानी कि उसका ये हेड उठ जाता है जब भी आपको बाउल निकालना हो. दिस इज डिफरेंट क्योंकि इसमें हेड एज इट इज रहता है, जहाँ है वहाँ है. इसमें एक लिवर है, दिस इज कॉल्ड बाउल लिफ्ट फंक्शन. जब आपने सब कुछ डाल दिया, बाउल फिक्स कर दिया, उसके बाद आप इस लिवर को उठाएंगे और ये बाउल ऊपर आएगा आपके हुक के पास लॉक्ड एंड देन इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग. यहाँ पे इसके आप बाकी के किचन एड के अटैचमेंट्स लगा सकते हो. इसके साथ आया कुछ नहीं है, जो जो आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ. ये एक सिंपल सा नॉब है जिसको लॉक करने से ये ओपनिंग जो है बंद हो गई है. इसके साथ आया है एक ये वायर विप विच इज स्टेनलेस स्टील, गुड. एंड इसके साथ आया है ये एक फ्लैट बीटर. विप का यूज तो आपको पता ही है, फ्लैट बीटर का यूज होता है कुकी डोज बनाने के लिए या सॉफ्ट डोज बनाने के लिए. ये है इसका रेगुलर डो हुक जिसका यूज होगा आटा गूंदने के लिए. और ये है इसका एक अगेन केक्स के लिए ज्यादा यूज होगा. एज आई वॉज टेलिंग यू इसमें ये एक सिलिकॉन का स्पैचुला जैसा लगा हुआ है, सो दिस वुड बेटर स्क्रेप ऑफ द बाउल वाइल मूविंग. तो ये बाउल के साइड्स तक स्क्रेप करता रहेगा. अच्छा, तो ये इसमें 4 ब्लेड्स आए हैं और ये एक आया है बाउल कवर. एज आई टोल्ड यू यहाँ से आप इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, बाउल कवर हो जाएगा तो आपके काउंटर पे कुछ भी गंदगी नहीं होगी. लेकिन इसको तो मैं बहुत कम यूज करने वाली हूँ, यू नो, बिकॉज आई एम जस्ट प्लेन लेजी फॉर दीज थिंग्स. मुझे वैसे भी प्लस पॉइंट इज कि ये बाउल काफी बड़ा है तो स्प्लटर इतना इजीली कुछ होता नहीं है. हैंडल है इसमें इजी कन्वीनियंस के लिए. साथ में इसमें है 11 स्पीड्स. तो यहाँ पर है 11 स्पीड फंक्शन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. तो इसमें 11 स्पीड्स है. डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल यू आर वर्किंग विद आप अपनी स्पीड डिसाइड कर सकते हो. और साथ में है ये पावर कॉर्ड ऑफ कोर्स, और साथ में है ये इसकी मैनुअल. तो ये सब आया है इसके साथ इसके बॉक्स में. And I am pretty excited to use it. और क्या रह गया है आपको बताना. हाँ, तो मैंने इसको कॉस्को में से लिया है 399 में. एंड मैं ना वेट कर करके थक गई थी. वैसे मैं आपको बता देती हूँ आपके बेनिफिट के लिए कि US में ना ब्लैक फ्राइडे टाइम पे यानी कि नवंबर में बहुत अच्छी सेल्स लगती हैं. तो हम शिफ्ट तो वैसे उसी टाइम हुए थे, लेकिन तब मेरी प्रायोरिटीज और थी, घर का फर्नीचर वगैरह वगैरह. तब मैंने स्टैंड मिक्सर को प्रायोरिटी नहीं दी. तो एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अगर आप इसे ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे लोगे तो ये $100 और भी सस्ता मिलेगा. दिस पावरफुल मशीन कॉस्टको में उस समय ये $299 की मिलती है. मैंने प्राइस देखा है और मैंने कुछ वीडियोस भी यूट्यूब पे पहले की देखी हैं. तो अगर आप इसको ब्लैक फ्राइडे टाइम पे या फिर एक और बार शायद सेल लगती है, ट्वाइस अ ईयर बेसिकली दिस इज अवेलेबल एट फुल $100 ऑफ. और कॉस्टको से लेने का ही फायदा क्योंकि ये सेम मशीन बाहर दूसरे मार्केट में $549 की है विदाउट डिस्काउंट. ब्लैक फ्राइडे का प्राइस बाकी मार्केट्स का मुझे नहीं पता, कॉस्को का मुझे पता है, वहाँ पक्का $100 कम में मिलेगा. लेकिन नाउ माय पेशेंस वाज ऑलरेडी ओवर, तो हमने तो बस इसको खरीद ही लिया अभी 399 में ही, बिकॉज बहुत दिन हो गए, अच्छी ब्रेड भी नहीं बनी है घर पे. तो अब मैं तो आई एम प्रेटी एक्साइटेड टू यूज इट एवरी डे. अबाउट द कलर, कॉस्को में बस 2 ही कलर अवेलेबल थे, एक वो रेड कलर और एक ये. तो मैंने जो है रेड मेरा इंडिया में ऑलरेडी है एंड दिस टाइम आई डिड नॉट वॉन्ट रेड इन माई किचन. बट ठीक है, सिल्वर आया है, इट्स ओके. आई एनीवेज डोंट वॉन्ट टू पे मच हेफ्टी प्राइस फॉर द कलर सेलेक्शन. लेकिन ये फिर भी न्यूट्रल सा ही लग रहा है, तो दिस लुक गुड. स्टील कलर का ही है, वैसे भी फ्रिज वगैरह से तो मैच हो ही जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट माई न्यू किचन एड एंड यू कैन सी द स्माइल, द बिग स्माइल इट हैज ब्रॉट ऑन माई फेस. And I'm really excited to use it and then I'm going to show you some recipes also.
अगर आप इसका डेमो देखना चाहते हो या ये देखना चाहते हो हाउ आई यूज इट फॉर नीडिंग द चपाती डो, आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताना और फिर मैं आपके साथ डेमो भी शेयर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करिए और बताइए आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी और क्वेश्चंस हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।